Good morning, students. Welcome to Maths class, Standard 4. We will continue our chapter 13, Fields and Fences. Okay? Fields and Fences में main चीज क्या है? Boundary. And boundary के related हम कितने fences लगाते हैं, कितनी rows लगाते हैं वो है. And the next था कि आप boundary किस तरह से check कर सकते हो. तो जैसे हमने digital में देखा था, digital में मैंने इस chapter का सारी चीज दिखा दी थी आपको. तो लीव्स थे तो उसकी बाउंड्री कैसे, तो स्क्वायर स्क्वायर के रिलेटेड था. ओके, तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह से है. टॉपिक है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर. जो भी आपको दिया हुआ है उसकी बाउंड्री आपको फाइंड करनी है. तो वो जो स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर की, उसकी वन साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर की है. तो उस तरह से हम करेंगे तो टोटल कितने सेंटीमीटर की उसकी बाउंड्री होगी वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो ये आपको टेक्स्ट बुक में वो उस तरह का ग्राफ दिया होता है, स्क्वायर स्क्वायर वाला इस तरह का. ओके, तो वो 1 स्क्वायर मतलब 1 साइड, दैट मींस 1 सेंटीमीटर. ओके, 1 सेंटीमीटर 1 साइड का होता है. तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी भी बाउंड्री फाइंड करेंगे. ओके, तो ये 1 साइड दैट मींस 1 1 1 1 1, ये एक एक देख काउंट करना है. ओके, ये एक 1 पोर्शन, तो 1 1 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसका 1 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
आप क्या कर सकते हो, सीधा वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। ओके, तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दें। ये 1 सेंटीमीटर कितना, इतनी इतनी जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, हमें मीटर का नहीं करना है। ओके, मीटर में फिर ये 1 1 1 काउंट नहीं करना है, क्योंकि उसकी दोनों साइड हमने काउंट ऑलरेडी कर दी है। ओके, हम दोनों साइड से 1 1 काउंट कर रहे तो वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, मीटर की लाइन आपको काउंट नहीं करनी है। ओके, तो 1 क्योंकि हमें बाउंड्री काउंट करनी है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कितने हैं 20। तो एक बॉन्ड जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है, दैट मींस ये क्या हुआ 20 सेंटीमीटर। क्या हुआ, ओवरऑल उसकी बाउंड्री जो है वो कितनी हुई 20 सेंटीमीटर। जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि आपको कोई इस तरह का कुछ भी दिया है इस तरह का, उसकी बाउंड्री चेक करनी है, तो आप स्केल से कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक थ्रेड लेनी है, थ्रेड को इसी तरह से यहाँ से रख के इस तरह से रखना है, फिर थ्रेड को सीधा करके स्केल से आप मेजर कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर है जिसको हम ऐड करते जाएंगे, तो आपका टोटल 20 सेंटीमीटर उसकी बाउंड्री आपको पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि 1 1 लिखने की जगह कंटिन्यू नंबर लिखते हैं। ओके, तो हमें पता चल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो टोटल कितने हो गए 16 सेंटीमीटर। क्योंकि अब हम 1 1 की जगह मैंने क्या लिखा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, मतलब ऐड करते गए, 1 1 ऐड करते गए, तो हमने कितनी, ये 1 2 3, यहाँ पे 3 कंप्लीट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, टोटल 16 सेंटीमीटर की बाउंड्री कितनी है 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये है 1 2 3, आपको एक एक बॉक्स का काउंट करना है, ऐसा नहीं कि अभी ये यहाँ पे 1 लिख दिया, ये दोनों नहीं, अभी ये अलग है। ओके, जैसे यहाँ पे मीटर में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, पर यहाँ पे 2 बॉक्स है। ओके, तो इतना जो पोर्शन है इसका 1 है। ओके, यहाँ पे दूसरा आ गया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and in this case are 24. The total कितने सेंटीमीटर का है बाउंड्री लाइन उसकी तो 24 सेंटीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर तो वो आपको प्रॉपर तरीके से समझना है ओके पूरा 1.1 बॉक्स दैट मींस ओवरऑल बॉक्स नहीं ये स्क्वायर ओके तो सिर्फ स्क्वायर है तो 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर होगा बट उसकी बाउंड्री हमें ये क्या है हम बाउंड्री चेक कर रहे हैं ओके तो मीटर का काउंट नहीं करना है हमें सिर्फ बाउंड्री लाइन चेक करनी है ओके तो ये आप लिख लीजिए नोटबुक में प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है ओके माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा
चलेगा कि कितनी बच जाती है। ओके, तो पहले मैं आपको ग्रो करके बता देती हूँ कि जैसे ये टेबल क्लॉथ है, रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर। ओके, तो उसमें लॉन्ग, लॉन्ग मतलब ये जो है वो लॉन्ग है। ओके, तो वो है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो उसकी ऑपोजिट साइड सेम 1 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड ब्रॉड कितना है, तो ये ब्रॉड है 75 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी एक का मेजरमेंट आप निकालोगे तो ये 1 का निकालोगे तो 1 ये मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 एंड 5 प्लस 5 10। 10 हुआ, कितने हुए 10, 2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अभी ये जो ब्रॉड है तो वो कितने हो गए, मैं नीचे नीचे कर देती हूँ। पहले हम एक का निकालेंगे कि एक टेबल क्लॉथ के लिए कितने लेस चाहिए। ओके, तो ये चारों साइड को हम प्लस कर देंगे, 1 मीटर इस तरह से मीटर सेंटीमीटर 105 105। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मीटर के कॉलम में 0 आएगा, 75 0 75। ओके, प्लस कर देंगे सबको, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 20 का 0 नीचे, 2 होगा ऊपर कैरी, 2 प्लस 7 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16। कितना होता है 16, 6 का 6 16 का 6 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, 1 2 एंड 3 3। दैट मीन्स एक टेबल क्लॉथ के लिए यूज हो रहा है 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर एक टेबल क्लॉथ के लिए। ओके, ये जो मेजरमेंट निकला हमने वो 1 टेबल क्लॉथ का है, बट वो टोटल कितने टेबल क्लॉथ बना दिए तो 5। इसलिए अब हम इक्वेशन करके देते हैं कि इफ 1 टेबल क्लॉथ इज इक्वल टू 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, सो 5 टेबल क्लॉथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट इजी है, अगर करोगे तो इसे ऑलवेज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मीटर को अलग ही रखना है, 3 मीटर मल्टीप्लाई 5 एंड 60, मतलब ये 3 मीटर 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे क्या करना है कि 6 दोनों को 360 मल्टीप्लाई 5 नहीं करना है। ओके, 360 मीटर नहीं है यहाँ पे, ओनली 3 मीटर है तो 3 अलग है एंड 60 सेंटीमीटर तो 60 अलग है। ओके, तो पहले हम करते हैं ये 3 5 15, दैट मीन्स 50 मीटर हुआ। ओके, फिर है 60 मल्टीप्लाई 6 5 30 30 एंड 6 का 0, मतलब 60 पहले हम 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 3 5 15, तो 50 मीटर हुआ, तो टोटल 50 मीटर हुए एंड 60 सेंटीमीटर, तो 60 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आंसर आएगा 300 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, ओके, यहाँ पे मीटर नहीं लिखना है। ओके, तो 300 तो बहुत ज्यादा मीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि 300 मीटर दैट मीन्स 3 मीटर है ना, 1 मीटर का कंप्लीट होता है जब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, दैट्स व्हाई अब हम करेंगे 15 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 15 16 17 18 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा 18 मीटर, दैट मीन्स उसे 5 टेबल क्लॉथ बनाने के लिए 18 मीटर लेस चाहिए। कितनी लेस चाहिए, 18 मीटर। यहाँ पे सिंपल सी चीज याद रखनी है कि दोनों को मिक्स नहीं कर देना, 360 नहीं कर देना, मीटर को अलग ही रखना है एंड सेंटीमीटर को भी
रखना है। तो 3 मीटर मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 15 मीटर, 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 300 सेंटीमीटर, और 300 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 15 मल्टीप्लाई 3 मीटर इज इक्वल टू टोटल ओवरऑल 18 मीटर लेस यहां पे यूज होगी 5 टेबल क्लॉथ बनाने के लिए। तो अभी जब वो 5 टेबल क्लॉथ के लिए 18 मीटर यूज कर रही है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच लेस इज लेफ्ट विद हर नाउ। तो अभी लेफ्ट कितनी बचेगी लेस, तो टोटल कितनी है 20 माइनस 20 मीटर माइनस 18 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर लेस बच जाएगी। कितनी बचेगी 2 मीटर। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, सो 2 मीटर लेस 2 मीटर लेस लेफ्ट विथ हर नाउ। ओके, समझ में आया ना, मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेला टोटल 20 मीटर। जैसे हमारी आप लोग भी कोई भी वर्क करते हो, आपकी मम्मी अगर आपके दुपट्टा या साड़ी के नीचे लेस लगाती है तो वो हम मेजरमेंट करके नहीं लेस लेने जाते हैं, क्योंकि लेस वाले का भी पर्टिकुलर होता है कि इतना ही होता है। ऐसा नहीं कि आप एक मीटर 1.5 मीटर ऐसा वो नहीं लेता है। तो वो ओवरऑल वो वर्क ऐसा करती है, तो वो टोटल 20 मीटर की लेस लेके आती है। उसमें से पहले हमें ये जो मेजरमेंट दिया है वो 1 टेबल क्लॉथ का दिया है। ओके, कि 1 टेबल क्लॉथ में कि आउट ऑफ दैट शी मेड 1 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 सेंटीमीटर ब्रॉड 5 रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। मतलब ये जो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक टेबल क्लॉथ का मेजरमेंट दिया है, तो आपको पहले एक टेबल क्लॉथ में टोटल कितने मीटर लेस की जरूरत पड़े वो आपको ऐड करके पहले उसका मेजरमेंट निकालना है। तो हमें पता चलेगा कि एक टेबल क्लॉथ के लिए 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर लेस की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो 5 टेबल क्लॉथ बना रही तो इस तरह से इक्वेशन रखना है, इफ 1 टेबल क्लॉथ इज इक्वल टू 3 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर सो 5 टेबल क्लॉथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जैसे हम करते हैं ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 मल्टीप्लाई 5, बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 3 एंड 60 को ज्वाइंट नहीं कर देना, 360 नहीं कर देना है, 3 को अलग ही रखना है एंड 60 को भी अलग ही रखना है। ओके, तो 3 5 है 50, 60 मल्टीप्लाई 5 तो 300, 300 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 प्लस 3 दैट मीन्स 18 मीटर। तो ओवरऑल वो 5 टेबल क्लॉथ में 18 मीटर लेस यूज करती है, और वो लेके आ रही है 20 मीटर, तो 20 माइनस 18 करोगे तो 2 मीटर, दैट मीन्स उसके पास 2 मीटर लेस लेफ्ट विद हर नाउ। ओके, ये सब आप एकदम प्रॉपर तरीके से नोटबुक में राइट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ओके,
वायर, हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर this garden, two fans with यहाँ पे अभी दिस गार्डन मतलब आपको ड्राइंग दिया हुआ है इस गार्डन, तो ये गार्डन कैसा है सर्कल, तो यहाँ पे आपको चारों साइड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल आपको दे दिया है कि 25 मीटर का है सर्कल, सर्कल कितने मीटर का है 25 मीटर का। अगर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्राइंगल होता है तो उसकी साइड आपको वन साइड दी होगी तो आपको उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपने प्रीवियस पीरियड में किया था सेम वैसे कि चारों साइड को एक साइड, अगर स्क्वायर है तो हमें वन साइड दी होगी, रेक्टेंगल होगा तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ ब्रॉडनेस आपको दी होगी, तो आपको वो खुद बाकी का फाइंड करना पड़ता है। बट यहाँ पे सर्कल है तो उसकी कोई साइड नहीं होती, सर्कल की कोई साइड नहीं होती है, तो सर्कल ओवरऑल 25 मीटर है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये सिंपल सा है कि इफ यहाँ पे रोज तो सेम गार्डन की फेंस करनी है, एक रो नहीं बट यहाँ पे कितनी फोर रोज करनी है, तो एक रो के लिए कितना कितने मीटर वायर चाहिए 25 मीटर, क्योंकि उसकी बाउंड्री लाइन जो है 25 मीटर की है, तो अगर फोर रोज वो करेंगे तो टोटल कितनी थ्रोन वायर लाना पड़ेगा। ओके तो वो ही सर्च करते हैं, वन रो इज इक्वल टू 25 मीटर, सो फोर रोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो फोर रोज के लिए कितना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 1, 25 4 का करोगे तो 25 प्लस 25 4 टाइम करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 100 मीटर, क्या आंसर आएगा 100 मीटर। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, सो 100 मीटर फॉर वायर नीडेड, सो 100 मीटर ऑन वायर नीडेड। ओके लास्ट में स्टेटमेंट, तो ये सिंपल सा था, तो इतना ही होगा, इसमें ज्यादा नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट लिखती हूँ 3 नंबर, हाउ मच टोटल वायर is needed for 12 meter triangle filled
photo layer is needed from 12-meter triangle filled two fence with three rows of wire. ओके अभी ये ट्रायंगल है और इसकी वन साइड ही आपको दी है. जैसे स्क्वायर होता है तो इक्वल होते हैं, वैसे ट्रायंगल की भी थ्री साइड इक्वल के अकॉर्डिंग हम करेंगे कि जैसे ये ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड इक्वल है. 12 मीटर 12 मीटर एंड 12 मीटर. ओके तो तीनों साइड है. यहाँ पे क्या है, हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर 12 मीटर ट्रायंगल फिट टू फेंस विद थ्री रोज ऑफ थॉर्न वायर. तो यहाँ पे थ्री हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि 12 मीटर ट्रायंगल, तो हमें यहाँ पे अपने आप सोच लेना है कि उसकी थ्री तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे वन मेजरमेंट ही दिया है, बाकी और दो साइड का हमें नहीं दिया. जैसे यहाँ पे सर्कल है तो ओवरऑल वो सर्कल की कोई साइड नहीं होती, तो ओवरऑल 25 मीटर है, बट यहाँ पे आपको थ्री साइड को आपको करना है. तो 36 टोटल होगा, 36 मीटर, 12 3 36. ओके 12 12 प्लस 12 प्लस 12 3 टाइम 12 6 एंड 36 मीटर होगा. ओके फिर हमें करना है, तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट निकालना पड़ता है. ओके रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, तो वहाँ पे आपको पहले मेजरमेंट निकालना पड़ता है एक राउंड का. ओके तो हमें पता चल गया कि एक राउंड के लिए 36 मीटर, यहाँ पे थ्री रोज बनेंगे. ओके इफ वन रो इज इक्वल टू, वन रो के लिए कितनी चाहिए, 36 मीटर, सो थ्री रोज इज इक्वल टू क्वेश्चन ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 36 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 1. ओके अभी 36 है तो हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं रफली. 3 6 18, कितना है 18, 18 का एक नीचे 1 होगा ऊपर कैरी. 3 3 9 प्लस 1 तो होगा 10, दैट मीन्स 108 मीटर. 108 मीटर फ्रॉम वायर की जरूरत पड़ेगी. लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि 108 मीटर मीटर्स फ्रॉम वायर नीडेड. ओके फुल स्टॉप. तो इस तरह से ये चैप्टर में जितना भी एक्स्ट्रा था वो मैंने आपको करा दिया है. आपको क्वेश्चन समझना है एंड सम्स प्रॉपर इक्वेशन रख के करना है, तभी आपका प्रॉपर होगा, अदरवाइज आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन समझ के करना है. तो ये चैप्टर छोटा सा था तो कंप्लीट हो गया है. मैंने डिजिटल में भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, जितना एक्स्ट्रा हो सके मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल के सॉल्व द फॉलोइंग करा दिए हैं. आपने प्रॉपर तरीके से नोटबुक में राइट डाउन किया होगा तो आपको वर्कशीट फिल करने में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी. जो अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होती रहेगी. ओके एंड एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपकी एग्जाम हो सकती है, दैट्स वाई आप नोटबुक प्रॉपर तरीके से फिल करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी. ओके तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पीरियड में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच.